हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी बज गया है 8:10 और कुछ भी काम नहीं हुआ है। जैसे आप सबको पता है, मतलब संडे हो तो एक बहुत ही बड़ा लेजी डे होता है, कुछ भी काम नहीं करने को मन करता है। इसलिए मैं तो उठ गई थी 6:30 में आज, और सारा काम बिल्कुल भी नहीं करके यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी, बस टाइम पास कर रही थी, बात कर रहे थे हम दोनों, और बच्चे तो सो रहे हैं। और क्या चल रहा है, अभी हस्बैंड चले गए हैं बाज़ार कुछ लाने के लिए। मतलब संडे हो तो नॉन वेज खाया जाता है, इसलिए देखिए अभी काम क्या भी नहीं हुआ है। और धूप अच्छे से आ गया है, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, अच्छा लगता है। पर इतना ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब हवा बहुत ज़ोरों से है। तो चलिए अब चलते हैं काम करने के लिए। काम नहीं करेंगे तो सारा काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। बाहर का मौसम आप देख लीजिए, बहुत ही खुशहाल है। यहाँ पे देखिए हमारा जो कबूतर है, एक बच्चा बड़ा हो के चला गया और फिर से आके फिर से दो अंडे दे के यहाँ पे बैठी हुई है। फिर बच्चे आएंगे, देखिए कितना दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है यहाँ पे मम्मी अपनी बैठी हुई है। और देखिए इसका आँख बहुत सुंदर है रे। और देखिए हमारा प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं, मेरी गोल्ड के। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ, सारा काम खत्म करके। बस गया है 9:00 हो गया है, तो इसके बाद मैं तुरंत चले जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं और अब फ्रेश होके अपना ब्रश ब्रश करके रेडी होके आ गए हैं खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज बना लूंगी उनके लिए मैगी, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो मैं इन लोगों के लिए मैगी बना लेती हूँ। और हस्बैंड तो ओट्स खाएंगे, और मेरे लिए मैं क्या बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, मैं सोच रही हूँ ब्रेड्स है तो ब्रेड्स खा लूंगी, इसे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। खाना पीना सब कुछ हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया है। आज लंच में हमारा बनेगा एग बिरयानी। एग बिरयानी किसका पसंद है, किसको? शोभित को yes. तो शोभित खाएगा एग बिरयानी, इसलिए आज हमारे घर में बन रहा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अंडे को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते हैं, पढ़ाई है? चलो ये पढ़ाई करने के लिए जाएगा। मैं अभी अंडे को यहाँ पे उबालने के लिए रख देती हूँ, और एक सीटी लगा देंगे। और ये चलो दूध ले लो, तो ठीक है चलो। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसका पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। ये सारा खड़ा मसाला मैं निकाल दी हूँ, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और पेपर, उसको मैं पानी में डाल दूंगी। और पानी के साथ साथ ये दो कटोरी में यहाँ पे ले रही हूँ बासमती चावल, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। तो इसको हम छोड़ देंगे, बस उबाल आने के बाद 2 मिनट के बाद हम उसको पानी निकाल देंगे। देखिए अभी मैं ये जो है अंडे में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम उसको फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई हुआ एग जो है मुझे बिरयानी में अच्छा लगता है, इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। कोई कोई ऐसे कच्चा भी डालता है, मतलब व्हाइट एग डालते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, पर वो थोड़ा डेलिकेट होता है और फ्राई होने में भी बिरयानी में और भी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। देखिए इसी बीच हमारा जो चावल को उबाल आ गया है, बस 2 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे। बस पानी निकालने के बाद हमको 2 कटोरी नहीं तो 1 कटोरी पानी रखना चाहिए, रख देंगे। रखने के बाद में उसको पानी सारा निकाल दूंगी। थोड़ा देर के लिए सॉफ्ट होने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम दम बिरयानी बना रहे हैं, तो फिर दम लगाने के बाद चावल भी और थोड़ा पकेगा, इसीलिए खिला खिला नहीं बनेगा अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो। तो राइस में मैं डाल दी हूँ वहाँ पे लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल,
डालने से क्या है कि हमारा बिरयानी का चावल जो है बहुत ही अच्छा सा खिला खिला बनता है और बिल्कुल भी चुपकता नहीं है। इसके बाद अंडा निकालने के बाद मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ ऑनियन, ब्राउन ऑनियन हमको सबको बनाना है, इसलिए थोड़े देर के लिए मतलब 2-3 मिनट लगेगा इसे फ्राई होने में, तो बीच बीच उसको चलाता रहना चाहिए, नहीं तो ये लग जाता है मतलब जल जाता है। तो इसी बीच हमारा जो है ऑनियन भी हो गया है और राइस भी हो गया है, हम उसका पानी निकाल देते हैं। और इसमें मैं डालूंगी अभी वही ऑयल में डाल दूंगी जीरा, जीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी और कुछ फ्लेवर में यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ कुछ भी खड़ा मसाला, क्योंकि सारे मसाला जो है मैं पहले से ही मतलब राइस में डाल के रखी हूँ। इसके बाद हमको डाल देना है ओनियन, ओनियन थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बस थोड़े देर इसका कच्चापन जाने के बाद हम इस पर डाल देंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 रेड चिली पाउडर जैसे कश्मीर रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक अभी थोड़ा डालेंगे। तो देखिए हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला, जो मैं 3 चम्मच यहाँ पे बिरयानी मसाला ली हूँ। तो उसके बाद डाल देंगे हम पानी थोड़ा सा, सारे मसाले जो है अपने आप से घुल मिल जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे तो जल जाएगा मसाला, जो है सूखा मसाला जल जाता है, तो हमेशा सूखा मसाला डालने के बाद पानी डाल लेना चाहिए। इसके बाद हम डाल देंगे 2 टमाटर, 2 मैंने यहाँ पे टमाटर ली हूँ, और आप चाहो तो दही भी ले सकते हो। तो देखिए अभी ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम उसको मसाला जो है अभी देखिए पूरा बन के रेडी हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। हम थोड़ा यहाँ पे मसाला में निकाल दे रही हूँ और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी 4 अंडे, 4 अंडे के बाद हम डालेंगे राइस जो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ, पूरा उसका पानी निकाल के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। देखिए यहाँ पे हमको सारा जो है खड़ा मसाला निकाल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मुंह में आता है तो बच्चे खाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, इसलिए मैं उसको पूरा जो खड़ा मसाला निकाल के उस सिर्फ राइस को दम में लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं सारे चावल को अच्छे से खिला दी हूँ, ऊपर स्प्रेड कर चुकी हूँ, और उसके ऊपर हमको डाल देना है ये पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, ग्रीन चिली और जो फ्राइड ऑनियन में फ्राई करके रखी थी पहले से, उसके ऊपर फिर हम और एक लेयर देंगे, जैसे कि मैंने जो वो मसाला पहले से निकाल के रखी थी वो मसाला, और सारे जो अंडे मेरा बाकी रह गया है वो सारा अंडे ऊपर देके फिर और एक लेयर सेम प्रोसेस में हम डाल देंगे चावल, और ऊपर नमक भी डाल देना है हमको। तो ऊपर नमक डालने के बाद आप चाहो तो गरम मसाला और चिली पाउडर भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे ज्यादा चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, बच्चे खाएंगे इसलिए, खास करके बेटा खाएगा तो थोड़ा भी तीखा हो जाएगा तो नहीं खाता है, इसलिए मैं देख देख के पूरा चिली डाल रही हूँ। उसके ऊपर फिर से हमको डाल देना है ये जो है ब्राउन ऑनियन, फ्राइड ऑनियन और पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते और ग्रीन चिली, 2 ग्रीन चिली मैंने यहाँ कट करके ली हूँ, और ऊपर हमको रख दे रही हूँ इसको, और उसके ऊपर हमको डालना है नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर बस कलर के लिए। और इसको देखिए मैंने, मेरे पास अभी कलर के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में ज्यादातर आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं यूज करती हूँ, मतलब नेचुरल कलर हमेशा मुझे पसंद आता है, तो इसलिए मैं बीटरूट घिस के ले रही हूँ, इसको मैंने ग्रेटिंग कर ली थी, बीटरूट जो है अच्छे से कलर आ जाता है। तो ये देखिए मैंने पानी पहले से निकाल कर रखी थी जो राइस है, वो पानी 1 कटोरी यूज कर रही हूँ, और साथ साथ 1 चम्मच घी भी यूज कर ली हूँ यहाँ पे। आप देखना एक बार जरूर जो है बीटरूट, आपको कलर के लिए कुछ भी बिरयानी वगैरह चाहिए तो एक बीटरूट घिस के दे दीजिएगा, देखिए बिल्कुल भी इसका टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और अच्छे से एक नेचुरल कलर भी आ जाता है। इसके बाद हम दम लगाएंगे। देखिए थोड़ा चावल ज्यादा हो गया था तो मैं वो जो इसका ढक्कन नहीं फिट आ रहा था तो मैं ये वाला फ्राई पैन ऊपर से यूज कर रही हूँ, और उसको सील करने के लिए ये आटा का यूज कर रही हूँ।
आप चाहो तो फॉइल पेपर में ऊपर से लगा के भी आटा लगा सकते हो। अच्छे से सील कर देना है हमें, जैसे कि इसका पेपर बिल्कुल भी बाहर ना आए, और उसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते हुए। और आंच जो है बिल्कुल सिम पे मैं रख के इसको छोड़ दूंगी अभी 15 मिनट के लिए। हमारा बिरयानी को मैंने दम लगा के आ गई हूँ, दम लगा के है सा, दम लगा के है सा। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, रायता की प्रस्तुति में लग गई हूँ। और बेटी को बोली थी धनिया लाने के लिए, देखिए कितना सारे धनिया लेकर आई है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है धनिया की पत्ते। तो चलिए बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेते हैं हमारे ओनियन, ककड़ी और ग्रीन चिली और क्या है, धनिया। धनिया। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा रायता कट हो गया है। अब चलते हैं हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिरयानी हमारा बन के रेडी है, 15 मिनट में हो गया है, क्योंकि हमने उसको पहले राइस को जो है सॉफ्ट कर लिए थे, ज्यादा सॉफ्ट नहीं की थी, फिर भी जितना सॉफ्ट हुआ था इतना में 15 मिनट में हो गया। और इसको निकाल लेते हैं हम अभी और चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बना है अंदर तक। देखिए अच्छे से खिला खिला बना है, और जो राइस था भी वो पुराना बना, बहुत ही अच्छा खुशबू वाला बासमती राइस था। देखिए कितना अच्छा सा खिला खिला और कलरफुल भी बना है। आपके पास कलर ना हो तो आप बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और अच्छा सा कलर आ जाता है और नेचुरल कलर। तो चलते हैं हम खाने के लिए। और हमारा रायता देखिए मैं दही में ला के यहाँ पे रख दी थी, और अभी सिर्फ नमक मिला के अभी लेकर जा रही हूँ मैं खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो आप भी कभी बना रहे हो बिरयानी तो ऐसे बिल्कुल बनाना, देखना कितना अच्छे से खिला खिला बनता है। एक बार जब कुक करके फिर दम लगाते हो तो अच्छे से खिला खिला बन जाता है। तो ये लीजिए बन के रेडी हो गया हमारा आज का लंच। और एक भी भुजी मैंने बना ली थी साथ में, जो अंडा हमारा फट गया था 2-3 लाते टाइम, तो इसका मैंने भुजी बना ली थी। चलिए चलते हैं और खा लेते हैं। बज गया है मतलब आज 8:15 हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है, 1 बजे तक हम खा लेते हैं डेली। वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी बना है। और हमारा लंच तो होता रहेगा, आज संडे है तो दिन भर का मजाक मस्ती ऐसे चलता रहेगा। और ये मुंह फुला के बैठा है, मोबाइल नहीं देने से नहीं खाएगा। तो बिरयानी है भी खा के हम उठ के सो के उठ गए हैं, मतलब बज गया है अभी 4:30। अब मैं आ गई हूँ बनाने के लिए रसगुल्ला। और देखिए इसके लिए मैंने दूध को फटा के मैं ली हूँ यहाँ पे 1.5 लीटर दूध, और इसको फटा के मैं अभी इसको छान दे रही हूँ। छानने के बाद हम इसको उसके ऊपर हम डाल देंगे ठंडा पानी, ताकि हमारा जो है फटाने के काम आता है नींबू, नहीं तो मैं यहाँ पे विनेगर यूज करी थी तो उसका फ्लेवर जो है इस पे छेना पे ना आए, इसलिए हम उसको निकाल के ऊपर से ठंडा पानी डाल के अच्छे से मतलब एक प्रेशर देके बांध के टाइट से रख देंगे ऐसे 10 मिनट के लिए, ताकि सारा पानी जो है निकल जाए। तो 10 मिनट के बाद देखिए ये हमारा पानी साला छेना से निकल गया है। मैं इसको अभी अच्छे से उसको मस लूंगी, यही सबसे बड़ा काम होता है रसगुल्ला बनाने में। तो इसके देखिए अभी से हथेली की मदद से नीचे की तरफ अच्छे से उसको मसलना है अभी 15 मिनट के लिए। जितना अच्छे से उसको मतलब मिलाओगे तो उतना अच्छा रसगुल्ला सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो इसको 10 मिनट 15 मिनट तक हमको इसको ऐसी प्रोसेस में मिलाना है, इसको आटा की तरह नहीं गूंदना है, इसे हथेली में इसको घिस घिस के 15 मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट कर देना है। इसके बाद हम उसका छोटा छोटा रुई निकाल लेंगे, जैसे रसगुल्ला से रसगुल्ला दिखाई देता है ऐसे हम थोड़ा छोटा ही निकालेंगे, क्योंकि वो चाशनी में जाने से फिर से फैलता है मतलब फूल जाता है।
ले लीजिए, हम छोटा छोटा गोला बना लेंगे इसका। तो इसके बीच में यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। इसके उबाल आने के बाद हम ये रसगुल्ले को डाल देंगे। देखिए इसका अच्छा निशानी है कि हमारा जो रसगुल्ला सॉफ्ट बनेगा, जब ऊपर आ जाएगा तुरंत डालने के बाद तो हमको पता चल जाएगा कि ये अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला बनेगा। अगर आप थोड़ा घिसने में मतलब मसलने में आप कमी कर दोगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा और अच्छे से फूलेगा नहीं और हार्ड भी हो जाएगा। और देखिए साथ साथ एक साथ हमको नहीं डालना है, थोड़ा देर के लिए एक एक करके डालना है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी मतलब चाशनी जो है ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब दो दो करके 5 मिनट में सारा डाल देना है। देखिए तो इसके बाद हम ढक के छोड़ देंगे उसको 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, अब रसगुल्ला मैं बना रही थी और बज गया है शाम के 7 o'clock और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। शाम का पूजा मैं सोच रही थी, आज बिरयानी बना ली, चलो सब कुछ हो गया और कुछ नहीं बनाना है। रात के लिए भी ज़्यादा बनाई थी और रात के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत सब्जी बना लूँगी। पर ये जो संडे होता है ना, हमेशा मुझे थका ही देती है, बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। बच्चे बोले तो संडे है तो मम्मी कुछ अच्छा सा मीठा बनाओ, क्योंकि अब बाज़ार से नहीं लाया जा सकता है कुछ भी और नहीं लाते हैं हम लोग, इसलिए बोल रही है कि मम्मी, बेटी बोली कि मम्मी रसगुल्ला बनाओ, इसीलिए मैं बना रही हूँ। पर उन लोगों का संडे है, मेरा क्या संडे है। वो बोली संडे है मम्मी, आज कुछ बना लो। मैं जैसे बैठी हुई हूँ, संडे है तो पता नहीं मेरा भी संडे कब आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी चलते हैं, ऐसा तो चलता रहता है। मैं जल्दी जा रही हूँ ऐसे चक्कर में, रसगुल्ला के चक्कर में 5 बजे से लगी हुई हूँ। और कुछ वीडियो था आज का मेरा चैलेंज वीडियो, जाके देख लीजिए, वो भी मैंने डाल दी हूँ, मतलब संडे का। ये वीडियो तो कल आएगा, तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, फिर आपको मिलूंगी जब रसगुल्ला रेडी हो जाएगा। मैं उसको ढक के रख दे के आ रही हूँ और बच्चे गए हैं ऊपर खेलने के लिए, मैं आज नहीं जा पाई उनके पापा के साथ, पापा आज छुट्टी पे है तो उन लोगों के साथ मतलब पापा जी के साथ उन लोगों को चले गए ऊपर खेलने के लिए। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया है। चलो हमारा रसगुल्ला कैसे बनी है मैं दिखाती हूँ आपको आधा घंटे के बाद, क्योंकि पूजा वूजा सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं आपके साथ फिर से बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं हमारा रसगुल्ला कैसे बनी है। देखिए कितना अच्छा 2 गुना हो गया है फूल के, और बिल्कुल अच्छे से पक भी गया है अपने चाशनी में। और इसको अभी हम निकालेंगे और चेक कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बना है बिल्कुल अंदर तक। और उसको हम बस अभी खाने के देरी है, और ये पहले खाने वाली आ गई। तो चलिए अभी इंतजार नहीं होता है, हम ठंडा करने के लिए उसको निकाल देते हैं और एक बाउल में, नहीं तो ये यहां से लेकर खा लेगी। तो चलिए हमारा यामी यामी सा रेसिपी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा उड़ीसा का शान है जो है रसगुल्ले। रसगुल्ले खाने का मजा बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है पर रसगुल्ला का मजा ही कुछ और है खाने में। तो अभी बनाइए और घर में खाइए, बिल्कुल भी बाजार के जैसे ही बना था। और ऐसे टाइम पे बाहर मत जाइए और घर में बैठिए और रसगुल्ला खाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा यमी यमी सा सब सब सा बना है हमारा रसगुल्ला। तो लीजिए फ्रेंड्स, दिन भर में काम करते करते बिल्कुल थक गई हूँ और एनर्जी नहीं है बात करने के लिए। रात का हो गया है 10:10 बज गया है ना? यस। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, फिर मिलेंगे हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्माइल इज सस्मिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।